फ्रेंड्स, प्लस का मतलब क्या होता है? मेरे जितना भी नॉलेज था प्लस के बारे में, मैं जितना भी बचपन से आज तक जानता था कि ऐड करना, जोड़ना या बढ़ाना, प्लस बोलते हैं उसको, तो आज जितना भी नॉलेज था सब मेरा खत्म हो गया ये लाइफ की वजह से। लाइफ जो कंपनी है उसने जो मोबाइल निकाला लाइफ F1 और F1 प्लस, तो उस प्लस का मतलब ही मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं प्लस, कुछ ऐड है ही नहीं। सेम मोबाइल, सेम चीज दिया है, डिस्प्ले सेम, सब कुछ सेम, प्लस का मतलब क्या होता है वहां पे? तो चलिए आपको भी मैं बताता हूं इसका स्पेसिफिकेशन, जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि इसमें प्लस जैसा कोई बात ही नहीं है, कुछ भी प्लस नहीं है इसमें। सेम मोबाइल को सिर्फ दो मोबाइल करके निकाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस मोबाइल को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा गिव अवे चल रहा है, तो जल्दी से आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे लिंक पे क्लिक करिए और पार्टिसिपेट कर लीजिए और बहुत सारे गिफ्ट आप जीत सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपेरिजन मैं कर रहा हूँ F1 और F1 प्लस का मोबाइल का, तो हर्षित बजाज नाम के एक व्यूअर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये कंपैरिजन करके बताइए कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है और कौन सा हम ले सकते हैं, तो इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर आपको भी फ्रेंड ऐसा कोई भी कंपैरिजन चाहिए किसी भी मोबाइल का, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा आप ले सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आपको बताता हूँ कौन सा बेस्ट है, क्या है, प्लस जैसा कोई बात है या नहीं। अगर हम डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में इसमें 5.5 इंच का डिस्प्ले है, फुल एचडी डिस्प्ले है, और इसमें भी 5.5 इंच का डिस्प्ले है, फुल एचडी डिस्प्ले है, मतलब F1 और F1 प्लस। अब अगर मैं PPI की बात करूं F1 की, तो F1 का 400 PPI है और इसका भी 400 PPI है, सेम डिस्प्ले में सेम हो गया। अगर अब हम प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो F1 का जो प्राइस है वो 9,800 के लगभग है और F1 प्लस का जो प्राइस है वो लगभग 10,000 के लगभग है, तो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रोसेसर वगैरह के बारे में जानते हैं, रैम वगैरह के बारे में। अगर हम बात करें F1 के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसमें 4 कोर दिया गया है 1.52 GHz का, और जो 4 कोर है वो है 1.21 GHz का, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 617 का प्रोसेसर दिया गया है। अब अगर इधर मैं बात करूं F1 प्लस की, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया है फ्रेंड वो है सैमसंग का प्रोसेसर और 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर ये है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इसमें रैम कितना कितना है। रैम दोनों भाई में एकदम सेम है, इसमें भी आपको 3 GB रैम, इसमें भी 3 GB रैम। इंटरनल मेमोरी वो भी बिल्कुल सेम है, इसमें 32 GB, इसमें 32 GB, और 128 GB तक दोनों को ही बढ़ा सकते हैं माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर। अब अगर मैं कैमरे की बात करूं, कैमरे में भी सेम, इसमें भी 16 MP बैक, इसमें भी 16 MP बैक का, दोनों में ही बैक का वही है, और उसमें LED फ्लैश तो रहेगा ही। फ्रंट अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा, इसमें भी क्या फर्क है। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी आपको दिखाता हूँ प्लस का मतलब क्या बनता है। 3200 इसमें MAH का बैटरी है, इसमें भी वही सेम, क्या फर्क है? तो आप देख सकते हैं कि कोई भी फर्क नहीं है। 6.0.1 मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये दोनों रन करता है, कुछ भी मतलब कोई भी फर्क नहीं है। प्लस का मतलब ही इसमें बताया नहीं गया क्या है, कुछ रेयर कुछ छोटा मोटा चेंजेस करके इसको बाहर निकाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपने जाना दोनों के बारे में कि कौन कैसा है, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, बट रेयर थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस है। लेकिन अगर खरीदने की बात हो, अगर आप चाहते हैं खरीदना कि दोनों में से कौन सा खरीदें, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लाइफ का F1 प्लस है उसको आप ले सकते हैं। तो यही बात है, क्योंकि उसमें F1 प्लस कुछ रेयर डिफरेंसेस उसमें है, तब उसको प्लस दिया गया है नाम, अब वो पता नहीं चल रहा कहाँ पे है, तो फिलहाल वो आप ले सकते हैं अगर लेना है। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं जितना भी रिव्यू लोगों का देखा, सुना, पढ़ा, जो भी, तो वो मैं देखा कि सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हीट, F1 में ज़्यादा हीट का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन F1 प्लस में उतना हीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि F1 प्लस आप ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर आपको ये फोन लेना है F1 Plus, तो जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इस फोन को ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।